गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बजरंग स्टडीज। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने किसके साथ समझौता किया है? DRDO के साथ। तो BDL ने DRDO के साथ समझौता किया है। क्यों किया है? आकाशीय मिसाइल लाइसेंस के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ समझौता किया है। BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1970 में हुई। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? DRDO के साथ। और क्यों किया है? आकाशीय मिसाइल लाइसेंस के लिए। BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1970 में हुई। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। साझेदारी की है मास्टर कार्ड के साथ। SBI बैंक ने साझेदारी की है। और क्यों की है? स्मार्ट पेमेंट्स की सुविधा के लिए। SBI बैंक, इसकी स्थापना 1973 में हुई। हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। और CEO हैं प्रावतननी वेंकटेश्वर राव। मास्टर कार्ड, इसकी स्थापना 1966 में हुई। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में।
SBI बैंक ने स्मार्ट पेमेंट्स की सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मास्टर कार्ड के साथ। SBI बैंक इसकी स्थापना 1973 में हुई, हेडक्वार्टर मॉरिशस में है, CEO हैं परावतनी वेंकटेश्वर राव। मास्टर कार्ड इसकी स्थापना 1966 में हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है? NSDC के साथ। और क्यों किया है? देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने NSTC के साथ समझौता किया है। NSTC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 2008 में हुई, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और CEO हैं मनीष कुमार। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है? NSTC के साथ। और क्यों किया है? देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। NSTC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी स्थापना 2008 में हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और CEO हैं मनीष कुमार। करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बजाज आलियांस। तो करूर वैश्य बैंक ने बजाज आलियांस के साथ साझेदारी की है।
इस साझेदारी के तहत बजाज ऑलियंस लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल एवं ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बजाज ऑलियंस इसकी स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। करूर वैश्य बैंक इसकी स्थापना 1916 में हुई। हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। तो करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बजाज ऑलियंस के साथ। और इस साझेदारी के तहत बजाज ऑलियंस लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल एवं ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बजाज ऑलियंस इसकी स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। और करूर वैश्य बैंक इसकी स्थापना 1916 में हुई। हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीदी के लिए सुविधा शुरू की है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीदी के लिए सुविधा शुरू की है। कोरोना महामारी के दौरान मवेशी किसानों और व्यापारियों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बांग्लादेश ने यह सुविधा शुरू की है। बांग्लादेश कैपिटल है ढाका। करेंसी है टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीदी के लिए एक सुविधा शुरू की है? बांग्लादेश ने। और इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना महामारी के दौरान मवेशी किसानों और व्यापारियों को वित्तीय नुकसान से बचाना।
बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। किस राज्य ने वस्तुओं के स्कैन के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल ने वस्तुओं के स्कैनिंग के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। सेल्फ स्कैन ऐप वस्तु की स्कैनिंग के लिए राज्य प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विकसित किया है। वेस्ट बंगाल। कैपिटल है कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। और गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो किस राज्य ने वस्तुओं के स्कैन के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल ने। और ये ऐप राज्य प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। प्रधान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी में भारत किस स्थान पर है? 34वें स्थान पर। पहले स्थान पर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और 34वें स्थान पर है भारत।
जॉन्स लगालासली JLL ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो द ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? 34वें स्थान पर। फर्स्ट प्लेस पर है यूनाइटेड किंगडम, सेकंड पर अमेरिका, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया। और जॉन्स लगालासली यानी JLL ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।